हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कनेक्टिंग सेल्स ये कैसे वर्क करते हैं, और ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिकल सप्लाई या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा सेल्स यूज़ करेंगे। और ये इसको ये डायग्राम देख लिया हमने। अब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो एक एक्टिविटी देकर है, टेक इनसाइड अ ट्रे ऑफ एन यूज्ड अप मैच बॉक्स प्लेस्ड इन अ स्मॉल मैग्नेटिक नीडल इनसाइड इन अ ट्रे। एक छोटा सा कंपास लो, आपके किसके किसके स्केल पर भी आता है, वो छोटा सा नीडल रहती है मैग्नेटिक, किसके वॉच में रहती है, उसको मैच स्टिक में अच्छे से माचिस के डिब्बी में बंद कर दो। ऐसे बंद करो कि हमको कांटा दिखना चाहिए ऊपर, और ऐसे अरेंजमेंट करना है कि एक वायर उसको यहाँ पे 5-6 बार लपेटना है, और फिर बैटरी के साथ उसको कनेक्ट करना है, और फिर स्विच, और फिर बल्ब। अब होगा क्या, आप जब इसको मार्क करेंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट ये हमेशा खड़ा रहता है। जैसे आपने ये की क्लोज की, क्लोज की करने के बाद ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक नीडल इज चेंज, इसकी डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो ये मैग्नेट अब खुद के पोजीशन में क्यों नहीं है? सो यू नो दैट मैग्नेटिक नीडल इज इंडीड अ मैग्नेट। अब मैग्नेटिक नीडल ये मैग्नेट है, ठीक है। जैसे आपने उसको वायर रैप किया, घुमाया वायर को, और इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू किया, तो तब क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल दूसरे जगह डिफ्लेक्ट हो गई, घूम गई। इसका मीनिंग है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये खुद क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। आ रहा है समझ में? यानी इलेक्ट्रिसिटी ये मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है, मैग्नेट क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो ऐसे टाइप से इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल फ्लो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। और सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया, हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड। और उन्होंने क्या किया, करंट एक चीज को ऐसे रैप किया, और तब देखा उन्होंने कि ये मैग्नेटिक नीडल भी ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक करंट को, मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है। उसके बाद है सेकंड एक्टिविटी हमको देकर, टेक अ मीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग एंड वाइंड टाइटली ऑन अ लॉन्ग आयरन स्क्रू। एक लॉन्ग आयरन स्क्रू लेना है और उसको कॉपर वायर ऐसे रैप कर देना है और सेल से कनेक्ट कर देना है। अब ये आयरन, आयरन यानी कि मैग्नेट है क्या, नहीं। अब ये आयरन का जो स्क्रू है उसका, उसके पास आपको एक छोटी सी पिन लेकर जाना है। तो ये पिन को वो आयरन अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा ना। अब आप क्या करो, उसको अच्छे से रैप करो और उसको सेल से कनेक्ट कर दो। सेल से कनेक्ट करने के बाद अब वहां पर आयरन पिन लेकर जाइए, तो तब आप देखोगे कि अब वो आयरन पिन को ये आयरन स्क्रू अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अपने तरफ खींच रहा है। इसका मतलब ये आयरन नेल आप कैसे वर्क कर रहा है, लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट के जैसे वर्क कर रहा है। आ रहा है समझ में आपको? तो इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज किया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, वैसे ही ये आयरन ऑब्जेक्ट ये बन गया मैग्नेट। अब सेल निकाल लो, फिर से ये पिन नीचे गिर जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जो आयरन ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेट के जैसे वर्क करता होगा तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये ओरिजिनल मैग्नेट नहीं है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब आपने यूज किया तब ये जाके मैग्नेट बना, तभी इसको जाकर नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सो टेम्पररी मैग्नेटिज्म इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट के जैसे वर्क करना
स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक बेल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये बड़ा कंसेप्ट है ना। टिल देन बाय।